यहाँ पे कंटिन्यू हमारे लिए एक नया स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग जैसा ब्रेक काम करता है उसका जस्ट ये अपोजिट काम करता है। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक जो है वो लूप को या फिर किसी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को रोक देता है, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है? एक स्टेप को स्किप कर देता है। अगर मान के चले हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम लोग 0 to 9 हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, और वहां पे हम लोग ने क्या किया, आई इक्वल टू 5 में हम लोग ने ब्रेक की जगह वहाँ कंटिन्यू लगा दिया, तो वहां पे लूप रुकेगा नहीं, लेकिन आई इक्वल टू 5 वाला जो इटरेशन है उसको स्किप कर देगा। मतलब 5 प्रिंट नहीं होगा, 4 के बाद डायरेक्ट 6 आ जाएगा। मतलब एक स्टेप जो है उसको स्किप कर देगा। स्किप करना मतलब छोड़ देगा, आगे बढ़ा देगा उसको। ठीक है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप सम लाइन्स ऑफ कोड इन साइड द लूप एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट इटरेशन। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, जिस भी कंडीशन के साथ में कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा होगा, तो उस स्टेटमेंट को जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा कंटिन्यू, उस इटरेशन को वो स्किप कर देगा। उस इटरेशन को वो क्या करेगा? स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। आगे वाले इटरेशन जो होंगे वो एग्जीक्यूट करने लगेगा। ठीक है, यहाँ हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में भी यहाँ पे क्या है, हम लोग कंटिन्यू लिखे हैं और सेमी कॉलन लिखे हैं। ठीक है, कंटिन्यू लिखे उसके बाद सेमी कॉलन हम लोग लिख दिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, वॉइड मेन हम लोग लिखे हैं, इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वाइल लिखे हैं हम लोग। ठीक है, वाइल आई नॉट इक्वल टू 10, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, वाइल नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, नॉट इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा, ये लूप की वैल्यू तब तक ट्रू रहेगी जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होगी। ठीक है, आई नॉट इक्वल टू 10 यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि आई की वैल्यू अगर 10 हो गई तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होगी तब तक ट्रू रहेगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू है 0, आई नॉट इक्वल टू 10 हम लोग कंडीशन लगा दिया है। ये वाइल लूप के अंदर में यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग परसेंट डी और यहाँ आई, आई की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चलेगी? 10 तक चलेगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग कहाँ तक चलती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखे हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के लिए सबसे पहले लूप चलेगा, 0 प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन उसको ट्रू मिलेगा, 1 प्रिंट होगा, फिर कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू करके क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट वो स्किप करते जा। ठीक है, मतलब जो हम लोग का स्टेटमेंट इस कंटिन्यू के बाद में लिखा होगा वो स्किप होता जाएगा। वो इफेक्ट तो देगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा वहां पे। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, जैसा हम लोग ब्रेक में लिए थे हम लोग वैसा ही यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने लिया है इंट आई इक्वल टू 1, लूप को स्टार्ट करते हैं फॉर आई इक्वल टू 1 से, और कहाँ तक हम लोग लेके जा रहे हैं, 10 तक लेके जा रहे हैं। आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम लोग ने एक कंडीशन लगाया, इफ आई इक्वल टू 5, इफ आई इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू। तो वो क्या करेगा, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी वो इस आई इक्वल टू 5 वाले इटरेशन को स्किप कर देगा। यहाँ पे देखो, इफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 5 इट विल कंटिन्यू द लूप। ठीक है, इट विल कंटिन्यू द लूप क्या होगा,
मतलब आई इक्वल टू फाइव वाला जो इटरेशन होगा उसको स्किप करके वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब आगे लूप कंटिन्यू करने लगेगा, ठीक है, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दिए। तो ब्रेक और कंटिन्यू में एक ही डिफरेंस होता है, ब्रेक जो है लूप को रोक देता है, स्किप जो है एक स्टेप को स्किप करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस पे, ठीक है। मैंने सेम प्रोग्राम को क्या किया, कॉपी किया, फाइल में गया, न्यू में गया, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच जाए। मैं इसको सेव करता हूँ, कंटिन्यू डॉट सी। अब मैं यहाँ पे सेम प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कंटिन्यू, और यहाँ ब्रेक की जगह पे हम लोग कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, हम लोग ने इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं, यहां पे देखते हैं हम लोग ने लूप कहां से कहां तक चला रहे हैं। आई इक्वल टू जीरो टू लेस देन 10, मतलब 0 to 9 चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है यहां पे, परसेंट डी आई, आई की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाए आई इक्वल टू फाइव, आई इक्वल टू फाइव, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर देगा। मतलब आई इक्वल टू फाइव वाला जो इटरेशन है, जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, इस लूप के अंदर में जो भी आई इक्वल टू फाइव में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे वो स्किप कर देगा पूरा का पूरा। मतलब जितना यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ये इटरेशन को ही स्किप कर दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं कंपाइल किया और यहाँ पे रन किया, यहाँ पे देखते हैं। इस प्रिंट एफ को हम लोग इफ के बाद में लिखते हैं, प्रिंट एफ यहाँ पे लिखते हैं परसेंट डी और कॉमा देके आई। यहाँ पे देखिए 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, उसके बाद 6 आ गया, 7 8 9, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं ताकि हम लोग आउटपुट थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। ये देखिए 0 1 2 3 4, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो गई वो इटरेशन ही स्किप हो गया और डायरेक्ट वो किस पे आ गया, 6 पे आ गया, ठीक है। 6 पे आया, 6 को एग्जीक्यूट किया, 7 8 9, उसके बाद लूप हमारा खत्म, ठीक है। अगर हम लोग कोई ऐसा कंडीशन चाहते हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम लोग नहीं चाहते कि पूरे के पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके उस इटरेशन को स्किप कर सकते हैं।